नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली नया सीखो यूट्यूब चैनल और मैं सुशील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्या आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो गया है या इनवैलिड बता रहा है? अगर आपने अपना जो पैन कार्ड है उसमें आधार लिंक नहीं किया है तो आपका पैन भी इनएक्टिव हो जाएगा और हो सकता है फिर वो आपका पैन आपके लिए किसी काम का ना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जो पैन कार्ड है उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वह आधार से लिंक है या नहीं है। और हम आपको ये भी बताएंगे आज कि आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है और आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से ही इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पेज ओपन कर लेना है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं फैसिलिटी टू चेक पैन आधार लिंक स्टेटस। इस लिंक से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वह आधार से लिंक है या नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और अगर आपका पैन कार्ड लिंक होगा तो वो बता देगा ऑलरेडी लिंक है और नहीं होगा तो वो मना कर देगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो पैन कार्ड है वह लिंक है या नहीं है। हमने पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और यहां पे ये आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, आधार इज ऑलरेडी लिंक टू पैन, तो ये वाला जो नंबर है पैन कार्ड का ये ऑलरेडी लिंक है। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है उसमें आधार लिंक है या नहीं है। अब मान लीजिए आपका लिंक नहीं है तो आपको करना कैसे है? देखिए, ये लिखा हुआ है एप्लीकेंट कैन लिंक आधार विद पैन यूजिंग दिस लिंक। इस लिंक पे जाके आप अपना जो आधार कार्ड है वह पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, अगर आप ये सब झंझट से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल निकालना है, कीबोर्ड एंड्रॉयड जो भी हो स्मार्टफोन उसमें आपको SMS वाले ऑप्शन में जाना है, वहां पे आपको ये नंबर डालना है 5677। किसी भी मोबाइल नंबर से, जरूरी नहीं है कि आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही हो। उसके बाद आपको कैपिटल में डालना है UIDPAN, ठीक है, UIDPAN डालना है। उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपना 12 नंबर का आधार कार्ड डालना है, ठीक है, UID पैन स्पेस अपने 12 नंबर का आधार कार्ड, फिर स्पेस देना है और अपना 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड कैपिटल लेटर्स में ही आपको डालना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5677 पे आपको सेंड कर देना है। उसके बाद एक या दो दिन में जो आपका पैन कार्ड है उसमें आधार लिंक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से द्वारा से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये तो रही कि आप SMS के थ्रू कैसे कर सकते हैं, देखिए लिंक के थ्रू यहां से आप कर सकते हैं। इस पे आपको लिंक को ओपन कर लेना है। जब आप उस लिंक को ओपन कर देंगे, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है इफ लिंक एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। ये डायरेक्टली हमने आपको लिंक बताई है, ये लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, आपको लिंक करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपके आधार में जो नेम है वो डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और देखिए, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर मान लीजिए आपके आधार में पूरी DOB नहीं है, केवल आपके में मान लीजिए 1975 या 1995 जो भी DOB है वो अगर है, केवल डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम आपको इसको करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे ये लिंक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरी है
तो हम पे इसको टिक नहीं करना है। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। अब देखिए, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिविन आधार, पहले से ये लिंक है, हमने आपको इससे पहले चेक कराया था, पहले से लिंक है तो ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका यहां पर लिंक नहीं होता तो आपके पास एक ओटीपी आता, वो ओटीपी आपको उसमें डालना होता, उसके बाद आपको सबमिट करना होता, फिर आपका वो सबमिट हो जाएगा। उसके लिए आपको 3 वर्किंग डेज के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, लिंक से भी लिंक कर सकते हैं, SMS के थ्रू भी लिंक कर सकते हैं, आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने वीडियो में आपको बताई है। गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2022 तक इसको लिंक करने की लास्ट तारीख रखी है। उसके बाद आपको ₹10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका जो आधार है वो उससे लिंक होगा। हम कह रहे हैं अभी कर लीजिए, जिससे कि आपको पेनल्टी ना देनी पड़े। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर किसी बात की प्रॉब्लम हो वीडियो में, कोई डाउट हो, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।